द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज वन के पिछले वीडियो में आपने देखा ये वाला हिस्सा जहां पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया गया है और इवन रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है, जिसको 28 फरवरी से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और ये वाला जो रास्ता है इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा अगर आप द्वारका से दिल्ली की तरफ आना चाह रहे हैं। तो द्वारका से शिवमूर्ति और जाने वाला जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं अब यहाँ पे काम शुरू होने वाला है एलिवेटेड रास्ते का और टनल का, तो उसके वजह से एक हिस्से को बंद करना पड़ेगा और उसके वजह से आपको एक ऑल्टरनेट रास्ता दिया जाएगा। अभी तक जो भी आपने देखा या जो भी आपने सुना, मैं आपको ये शुरू से बता रहा था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो शिवमूर्ति की तरफ से शुरू नहीं होता है, वो एयरपोर्ट के पास से शुरू होता है। हालांकि हम इसको ऑन एन एवरेज एक जनरल टर्म में बोल देते हैं कि शिवमूर्ति के पास से शुरू हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, बट जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज वन है वो शुरू होता है इस हिस्से से, ये वाले हिस्से से। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो पोर्शन दिखाने वाला हूं जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे जो है पैकेज वन शुरू होता है, और वहां पे जो टनल का काम है और उस टनल का फ्लो कैसे होगा वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। पहले मैं आपको ये वाला हिस्सा पूरा दिखा दूंगा, ये वाला पोर्शन जो कि टनल का, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आप एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं टनल के थ्रू, तो आप यहां से टनल के थ्रू एयरपोर्ट में इसी पॉइंट से बाहर निकलेंगे। और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है या आपको द्वारका की तरफ जाना है, तो जब आप एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तरफ से आएंगे इस हिस्से से, आप यहां से ऐसे आएंगे टनल में, और यहां से टनल होते हुए फिर आप ये जो शैलो टनल है ये इसको यूज़ करके अपने अपने डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहां से आप वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं, आप यहां से गुड़गांव की तरफ से भी जा सकते हैं, यहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे वाले हिस्से के गुड़गांव में भी जा सकते हैं और द्वारका में भी जा सकते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, यहां से शुरू होता है एनएचआई का काम जो कि जय कुमार कर रही है, और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये एलएनटी बना रही है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट नहीं है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आता है। तो आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा और इसके बारे में आज तक सुना भी नहीं होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो सबके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दिया है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी लगभग 4,500 के करीब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी चाहें तो उसको ज्वाइन करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं द्वारका एक्सप्रेसवे का। आप सबने मुझे मेरे रियल स्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहां के रेसिडेंट्स का, यहां के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पर खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है, यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर, मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए, आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज वन में जो मेन एंट्री पॉइंट होगा एयरपोर्ट के पास से टनल में अंदर जाने का और टनल से बाहर आने का, तो वो हिस्से पे मैं खड़ा हूँ और वहीं से जो भी रास्ता होगा जहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होगा वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। जो हम कहते हैं ना कि जो द्वारका एक्सप्रेस है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है टनल की वो एयरपोर्ट के साथ है, तो वो उसी जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो आपको इसके आसपास का हिस्सा पूरा समझा देता हूँ और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कैमरे को टर्न करूँ तो देखिए ये सामने
महिपालपुर का इंटरसेक्शन है जो राउंड अबाउट है बड़ा सा, वो है जहाँ से आप यू टर्न लेते हैं। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो आप नीचे महिपालपुर के फ्लाईओवर से यू टर्न लेते हैं गुड़गांव जाने के लिए राइट की तरफ, और अगर आप इस तरफ चले जाते हैं तो आप एरो सिटी की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं एलिवेटेड रास्ते से तो एक रास्ता कट जाता है जिसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टोल बूथ है। तो इसमें यहाँ पे जो आपको लाल कलर का निशान दिख रहा है, ये जो आपको टोल बूथ दिख रहा है, पुलिस चेक पोस्ट दिख रहा है, वहाँ पे जो लाल कलर का निशान दिख रहा है इस वाले पिलर के ऊपर, वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड होगा। तो जो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है और आप शालो टनल ले लेते हैं तो आप इसी पॉइंट पे निकलेंगे जहां पे ये लोग जा रहे हैं, और ये फिर आपको एयरपोर्ट की तरफ यहां से आगे लेकर जाएगा। अब मैं आपको यहां से इसके दूसरे सेक्शन में लेकर चलता हूं, वहां पे जो काम चल रहा है वो दिखाता हूं। देखिए, इस बैरिकेड के पीछे मैंने आपको दिखाया था कि आप अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो कहां पे आप बाहर आएंगे। ये जो रास्ता है, ये अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आगे जो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल एंड में वहाँ पे देखिएगा, वहाँ एलएनटी का टनल वहाँ से शुरू होता है, ये जय कुमार वाला पोर्शन है, ये द्वारका एक्सप्रेस का पोर्शन है, उसके उधर जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है उसके उस तरफ सारा का सारा जो है वो एलएनटी काम कर रही है, उसमें वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आता है। ये वाला जो पोर्शन है ये एनएचआई का है, ये वो पोर्शन है जहाँ से आप एंटर करेंगे टनल में, और यहाँ से फिर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहें या द्वारका की तरफ जाना चाहें या गुड़गांव वाले हिस्सा जो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला हिस्सा है वहाँ पे जाना चाहें तो आप यहाँ से इस पे एंट्री करेंगे, और यहीं से आप फिर फ्यूचर में वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सरफेस रोड भी मिलेगा, आपको यहाँ पे टनल भी मिलेगा, इसी के ठीक दूसरे तरफ का जो हिस्सा है वो सरफेस आ जाएगा, मतलब रैम से जब आप टनल से बाहर निकलेंगे तो वो दूसरे वाले हिस्से में निकलेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से से आप नीचे जा रहे हैं टनल की तरफ, तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे भी टनल होगा, तो ये एंट्री हो रहा है, यहाँ से एंट्री पॉइंट बन रहा है। जो एक्चुअल में जो हिस्सा है पैकेज वन का वो यहाँ से शुरू होता है, ना कि शिव मूर्ति से शुरू होता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 29 किलोमीटर्स का है, द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर्स के बाद भी बहुत जगह आरटीएल रोड्स हैं जिसमें एक्सपेंडेड है, और एक्चुअल में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज वन है वो यहाँ से शुरू होता है। आज तक आपको जितने लोगों ने भी बताया होगा कि पैकेज टू शिव मूर्ति ठीक है, एक इंडिकेशन है कि शिव मूर्ति के पास से पैकेज वन शुरू होता है, बट एक्चुअली में जो पैकेज वन है वो एयरपोर्ट में इस पॉइंट से शुरू होता है, इस जगह से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पे देखिए दोनों ही तरफ इधर भी रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी जहाँ पे आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये वाला स्पैन और आगे वाला, इसमें रिटेनिंग वॉल का काम हो चुका है, यहाँ पे भी इस जगह पे रिटेनिंग वॉल का काम हो चुका है, और आगे उस वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए वहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल का काम हो चुका है, मतलब कॉन्क्रीट कर दिया गया है, और बाकी जो हिस्से जहाँ पे आपको सरिये एक्सपोज दिख रहे हैं इन सब में रिटेनिंग वॉल का काम होना है। सर, इसमें रिटेनिंग वॉल का काम कब तक कम्प्लीट कर देंगे? अभी ये मार्च के फर्स्ट वीक तक, मार्च के फर्स्ट वीक, ये पूरा जितना सरिया एक्सपोज दिख रहा है ये सारा सब मार्केट का पूरा कंप्लीट है। ओके, और ये वाला पोर्शन आप देखें तो ये एग्जिस्टिंग रास्ता है जहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, ये फ्यूचर में ये रास्ता होगा जिससे आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, और आगे आपको जो टनल है वो एलएनटी वाली टनल है वहाँ पे फ्लाईओवर के पास, तो वहाँ से आप सीधा इसमें पहुँचेंगे, और यहाँ से फिर आप द्वारका की तरफ या वसंत कुंज की तरफ या गुड़गांव की तरफ जो भी अपने अपने डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो जा पाएंगे इस तरह से। तो अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो एंट्री आपकी यहाँ से होगी, और अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेस वाले गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो जो मैंने आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाया था वहाँ से आप एग्जिट करेंगे। तो दोनों आपस में मिले हुए नहीं हैं, दोनों अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आपको ये टनल दिख रहा है, लेकिन टनल के बिल्कुल इधर में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी कंक्रीट सा दिखेगा, कंक्रीट किया हुआ है बाउंड्री वॉल यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाला जो बाउंड्री वॉल है ये एनएचआई कंक्रीट कर रही है, यानी कि जय कुमार इसको कंक्रीट कर रही है। तो ये जय कुमार वाला जो कंक्रीट वॉल रिटेनिंग वॉल ऊपर आ रहा है, इस रिटेनिंग वॉल और जो वो वाला रिटेनिंग वॉल है वो एलएनटी का रिटेनिंग वॉल है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही है। तो इनके दोनों के बीच में भी जो रास्ता आपको खाली मिट्टी सा दिख रहा है इसको भर के यहाँ पे सर्विस रोड बना दिया जाएगा। तो एक यहाँ पे सर्विस रोड होगा, और एक जहाँ पे आपको आगे पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी सर्विस रोड एलएनटी ने बना दिया है। और ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे आगे आपको एक जेसीबी काम करती हुई दिख रही होगी जहाँ से कंक्रीट होना शुरू हुआ है, ये पूरा हिस्सा जय कुमार का है, और उसके बाद का जो पूरा हिस्सा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आता है, वो एलएनटी काम कर रही है उस पे। इससे पहले मैं उस वाले पॉइंट में था, थोड़ा सा मैं इधर टर्न कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको इस पॉइंट में आके यहाँ से भी दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियरली और नज़र आएगा। देखिए, ये सर्विस रोड होगा जो एलएनटी बनाएगी, इसको ब्लैक टॉप करेगी, और ये है टनल वाला हिस्सा जहाँ से आप एंट्री करेंगे। और अगर मैं आपको फिर से जूम करके दिखाता हूँ तो वो जो आपको येलो पोर्शन पीछे दिख रहा है नीचे शैलो सा, वो सारा का सारा जो है जहाँ पे लाइट्स भी जल रही हैं वो एलएनटी का पार्ट है। तो वहाँ से ही आप कनेक्टेड होंगे
टर्मिनल 3 से, और ये जितना भी आपको नीचे मिट्टी वाला हिस्सा दिख रहा है इन सबको कवर कर दिया जाएगा। ये आप मान कर चलिए कि मार्च एंड तक ये सारा मिट्टी वाला कवर हो जाएगा सब। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इस रास्ते के नीचे अभी टनल बनना बाकी है। तो ये जो सर इस रास्ते के नीचे जो टनल बनेगा इसका काम कब शुरू करेंगे हम लोग? पाइपलाइन को डाइवर्ट कर रही है यूटिलिटी जो महिपालपुर जो ड्रेन है जी, आप उधर जाएंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा वो ड्रेन का पाइप आ रहा है। करेक्ट, वहाँ पे ड्रेन हट जाएगी तो ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को ये ट्रैफिक डाइवर्ट उधर हो जाएगा। अच्छा, इसको उधर डाइवर्ट कर देंगे ट्रैफिक को, इसके नीचे टनल बनाना शुरू। तो ये कब से आपको लगता है कि नॉर्मली आप कर देंगे ये वाला काम? ये मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ऊपर बोर्ड दिख रहा होगा, देखिए राइट हैंड साइड गुड़गांव जाने के लिए और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से धौला कुआं जाने के लिए। और इस रोड को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, देखिए यहाँ से इस रोड की एंट्री बंद हो गई है इस जगह पे आप देखिएगा। तो मार्च के फर्स्ट वीक से जब यहाँ पे यूटिलिटी शिफ्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पे भी टनल का काम करना शुरू कर दिया जाएगा। सर यहाँ पे कितना काम अभी बचा हुआ है इस हिस्से में टनल का, जो शैलो टनल है? ये अराउंड 200 मीटर, 200 मीटर से करीब, बाकी सारा शैलो टनल बन चुका है। अगर हम वहाँ पे छोड़ दें पैकेज वन वाला शिव मूर्ति के पास वाला हिस्सा, तो इधर एयरपोर्ट वाला पार्ट अगर महिपालपुर वाले पार्ट को देखें तो महिपालपुर पार्ट में 200 मीटर ही है और छोटे छोटे टुकड़ों में 200 मीटर और लगभग 400 मीटर लगभग 400 मीटर के करीब टनल का हिस्सा बचा हुआ है अभी। ओके, देखिए यहाँ से जब टनल आएगा बाहर, मतलब अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं गुड़गांव वाले हिस्से से और यहाँ टनल से आप बाहर निकलते हैं तो ये फिर सरफेस रोड आ जाएगा। और सरफेस रोड से आप यहाँ से धीरे करके रैंप नीचे जाएगा और नीचे जो आगे एलएनटी वाला टनल है आप उसमें चले जाएंगे और वहाँ से आप टर्मिनल 3 की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ ये वाला जो साइड है यहाँ पे ये ऐसे ही सर्विस लेन होगा। तो जैसा ये सर्विस लेन आपको इस तरफ दिख रहा है वैसी सर्विस लेन आपको दूसरी तरफ दिखेगा जो मैंने आपको दिखाया था। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाली जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये वाली, इसके इधर सारा जय कुमार है यानी NHAI है, यानी ये जो आपको क्रेन खड़ी हुई है ये जय कुमार वाले हिस्से में खड़ी हुई है, NHAI वाले हिस्से में खड़ी हुई है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप कंक्रीट, ये जो आप ब्लैक टॉप वाला रास्ता देख रहे हैं ये LNT बना रही है। तो ये भी आगे नीचे जाएगा और नीचे जाके जो टर्मिनल 3 जाने वाला टनल है उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये NHAI वाला हिस्सा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऑलरेडी 3,500 से भी ऊपर लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।